नेहरू को सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, कांग्रेस टूट गई आपस के क्लेश में, किंतु जो चुनाव हारा देश का हुआ प्रधान, गांधी जी का निर्णय था स्थिति विशेष में, गांधी जी का निर्णय था स्थिति विशेष में, धन्य लौह पुरुष पढ़ा था एकता का मंत्र, देश को सजा दिया अखंडता के वेश में, अरे होते ना पटेल यदि, देश होता देश नहीं, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। अरे हाय, मैं चार पंक्तियों से शुरू होने की कोशिश करता हूं, आपका समर्थन, इससे पहले भी आपके बीच में आया हूं, उसी तरह का प्यार उसी तरह का समर्थन आपका मांगता हूं, सुनिएगा। थैंक यू। हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे, हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे, किंतु तिरछी नजर देश पर यदि उठी, वीर बहकर के कुर्बान हो जाएंगे। वीर बहकर के, आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, मैं और ऊर्जा से पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपकी तरफ से प्रतिक्रिया अच्छी आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, इस देश के अंदर तमाम सारे लोग कहते हैं, कोई कहता है ये देश हिंदुओं का है, कोई कहता है ये देश मुसलमानों का है, मैं चार पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूं कि नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है, नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है, इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, देश ऐसे शहीदों की जागीर है। देश ऐसे, मैं प्रणाम करता हूं, आपने पूरे कवि सम्मेलन को बहुत मन से सुना है, देश ऐसे शहीदों की जागीर है, भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को। मैं ये चार पंक्तियां बहुत विशेष पंक्तियां हैं मेरी, हम सब लोग जानते हैं कुछ वर्ष पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे दो बेटों के शीश काट करके रख लिए। मैंने एक कल्पना करने की कोशिश की कि अगर बिना शीश के शव माता के दरवाजे पे लाके रखे गए होंगे तो कौन सी इच्छा अधूरी रह गई होगी। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को, भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सिर, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सिर, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो तिरंगा, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो जिंदाबाद उड़ा दो मेरे शीश को, इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, बहुत सारी देश के अंदर विसंगतियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक कौन सी सकारात्मक ऊर्जा इस देश के पास है। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का आपने यहाँ पोस्टर लगा रखा है, उनको प्रणाम करते हो, और तमाम सारे हमारे वर्दी के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम सारे हम उनके ऊपर हास्य मजा, हास्य की बातें भी हो जाती है। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, देश के वास्ते पातियां हैं बहुत, ऐ तिरंगे तो निश्चिंत होकर फहर, ऐ तिरंगे, ऐ तिरंगे, ऐ तिरंगे तो निश्चिंत होकर फहर, सरहदों पर अभी छातियां हैं बहुत। वाह 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 वाह, अभी छातियां हैं बहुत, सरहदों पर अभी छातियां। और चार पंक्तियों से इतिहास की तरफ चलना चाहता हूं। देश आजाद होता है, आजादी के तुरंत बाद की एक दुर्घटना और एक महामानव को नमन कर लेना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। एक हमारी सरकार एक कार्यक्रम भी चला रही है जिसे हम सब जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, कहीं ना कहीं मेरी अगली कुछ पंक्तियां उस कार्यक्रम से भी जुड़ेंगी। सुनिएगा कि नेहरू को सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, और मैं मन इसलिए मानता हूं थोड़ी सी बात स्लिप हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा, सुनिएगा। नेहरू को सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, कांग्रेस टूट गई आपस के क्लेश में, किंतु जो चुनाव हारा देश का हुआ प्रधान, गांधी जी का निर्णय था स्थिति विशेष में, गांधी जी का निर्णय था स्थिति विशेष में, धन्य लौह पुरुष पढ़ा था एकता का मंत्र, देश को सजा दिया अखंडता के वेश में, अरे होते ना पटेल यदि, देश होता देश नहीं, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। अरे हाय, बहुत अच्छे, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। तो चार पंक्तियों से आजादी के अमृत महोत्सव को जोड़ने की कोशिश करता हूं। ज्ञात अज्ञात
तमाम बलिदानियों को समर्पित ये पंक्तियां उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को सुनिएगा कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना, और शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे वीरता के अंतिम प्रयास को न भूलना, वीरता के अंतिम प्रयास को न भूलना। तो भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह बलिदान हुई किसी सास को न भूलना, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह बलिदान हुई किसी सास को न भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है प्रणम्य किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को न भूलना, क्रांतिवादियों के इतिहास को न भूलना, क्रांतिवादियों के इतिहास को न भूलना। और तो चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, एक और महानायक को प्रणाम कर लेना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम से। कविता दीपक और दर्पण दो भूमिकाएं अपने जीवन में जिया करती है, मैं दीपक की भूमिका में हूं, दर्पण की भूमिका तक भी आऊंगा, सुनिएगा। स्वागत कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए, बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए, विठल सुभाष मंत्रणा कभी ना भूलिएगा जोश से मिला था जब होश मत भूलिए, तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए, अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। वाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए, नेताजी सुभाष। और चार बिल्कुल ताजी पंक्तियां, क्योंकि आज चर्चा भी हुई, विश्वनाथ कॉरिडोर की भी चर्चा हुई इस मंच से। मैं चार पंक्तियां किसी बात को मुद्दा न बनाते हुए सिर्फ उनकी प्रभुता को समर्पित करते हुए चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और देख के इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि बिल्कुल कल मैंने रात को ट्रेन में लिखी है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अविराम अतुलाम अचल अनादियम तो मोक्ष मार्ग मुक्तिनी प्रभात को प्रणाम है, पावन पुनीत प्रति पुण्य फलदायी मातु सूरी सरिता के प्रति घाट को प्रणाम है, तो घंटियों की भोर शोर शंखनाद का अदम्य मणि निका की दिव्य प्रात को प्रणाम है, घंटियों की भोर शोर शंखनाद का अदम्य मणिकर्णिका की दिव्य रात को प्रणाम है, अरे जिनके त्रिशूल पर राजती है धरती है काशी वाले बाबा विश्वनाथ को प्रणाम है, काशी वाह 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 विख्यात वाह वाह काशी वाले बाबा। मैं एक कविता आपके बीच में शुरू करने की कोशिश करता हूं, और मैं इस दावे के साथ पढ़ता हूं कि मुझसे पहले वो कविता आपके मोबाइल के स्क्रीन तक या आपके टेलीविजन के स्क्रीन तक पहुंची होगी। भूमिका कविता की सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 7 वर्षों की कुछ घटनाएं आपके सामने चलेंगी, मैं बिना भूमिका के एक कविता आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। स्वागतम। कि शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर। सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है। जिस नायक ने नोट बंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने नोट बंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, हाँ जिसने अभियान दिया है स्वच्छ स्वस्थ भारत वाला, हाँ निर्भय हो कहता हो उसको भारत का रखवाला। सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, तालियां आपकी और ऊर्जा जुटाइएगा, अच्छे विख्यात और ऊर्जा जुटाइएगा और अच्छी तालियां बजाइएगा, सुनिएगा।
की सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को। अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला। वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी। और दो पंक्तियां एक टिप्पणी करने की कोशिश करता हूं। 500 वर्षों की गुलामी को चीरता हुआ एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आता है, मैंने एक टिप्पणी करने की कोशिश की, और अगर कहीं मेरे साथ साथ या आपके भी मन की बात हो तो उस पर आशीर्वाद दीजिएगा। चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहता हूं, और यह भी बता देना चाहता हूं क्योंकि आज विश्वनाथ बाबा के हम इतना निकट खड़े हैं, मैं चार पंक्तियां मैंने कहीं 2017 में लिखी थी, मैं पढ़ देता हूं दादा, इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे हमारे पक्ष को लेकर के लोगों को भ्रम हो जाता है। मैंने उस समय पे 2017 में कहा था कि तुम निर्णय दो न्यायाधीश नहीं देंगे, तुम निर्णय दो न्यायाधीश नहीं देंगे, वरना तुमको हम 19 नहीं देंगे, और श्री राम का मंदिर यदि ना बन पाया विश्वनाथ बाबा आशीष नहीं देंगे। लेकिन राम का मंदिर भी बना और विश्वनाथ बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। तो मैं दो पंक्तियां एक टिप्पणी करने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। जो बोला करके दिखलाया सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया सीख बता दी दुनिया को, रामलला के मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को, रामलला की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं निवेदन यही करूंगा, मैं जानता हूं बहुत देर से आप लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आज यहां से कार्यपाठ किया है, आपके हाथों में ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई होगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा आपको अच्छी लगती है तो एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे आदेशित करें तो मैं आगे की कविता पहुंचा। स्वागत विख्यात जी, जी अच्छा अच्छा दूसरे विषय पढ़ देते ठीक है, वो वहीं तक था, निश्चिंत रहिए। हाँ स्वागत, कोई दिक्कत, पढ़ता हूँ ठीक है। आइए मैं और चार पंक्तियां कश्मीर की तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूँ, कश्मीर की तरफ। आप लोग आदेशित करें मैं कौन सा विषय पढ़ दूं, आप तालियां बजा के आदेशित कर देंगे मैं पढ़ दूंगा, वही पढ़ना है ना, तो तालियां बजा के बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, मैं कश्मीर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आइए बिल्कुल निश्चित रूप से ये मंच पे नवरस के कवि बुलाए जाते हैं, बहुत सारी बातों से आप सहमत भी होंगे, बहुत सारी बातों से असहमत भी होंगे, मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ, सुनिएगा। मैं कश्मीर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ, सुनिएगा। स्वागत पढ़िए। कि दो विधान और दो प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, दो विधान तहरीर का अर्थ लिखावट होता है, दो विधान और दो प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली, अब सेना को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो। एक घटना मैंने देखी टेलीविजन के माध्यम से, आप लोगों तक भी कहीं ना कहीं वो घटना जरूर पहुंची होगी। धारा 370 हटने के बाद भी और नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार होने के बाद भी कश्मीर के अंदर हमारे लोगों के परिचय पत्र देख देख करके उनकी हत्याएं की गई। अगर आतंकवादी इस मानसिकता पर उतर आए तो मैं एक उत्तर इस मंच से खड़े होकर के चकिया के देशभक्तों के बीच में खड़े होकर के देना चाहता हूं, और किसी सरकार की तरफ से नहीं लिखता, इस सरकार को ललकारते हुए कहता हूं, सुनिएगा आप भी, कि दो विधान और दो प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली, और सेना को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो, देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में। हाय हाय
हर हर महादेव। बहुत अच्छे विख्यात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूं, मैं बहुत अच्छे उपस्थिति, बहुत अच्छे। मैं पुनः पढ़ता हूं, पुनः पढ़ने के लिए तालियां बजाई जाती, तालियों से बिल्कुल 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 बहुत अच्छे। दो विधान और दो प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली। अब सेना को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो, अब सेना को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो। देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो। सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में। माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी, माटी में। वाह 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 विख्यात, वाह। माटी से एक बार आप मेरे साथ इसी को बोल दीजिए, भारत माता की जय। अरे हाथ उठे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कविता को आगे बढ़ाता हूँ, सुनिएगा। जब 370 इस देश के अंदर से हटी तो हमारा एक पड़ोसी देश है, एक ऐसा देश जो अपनी आवाम को टमाटर नहीं खिला सकता, जिसके पास अपने देश को टमाटर खिलाने के पैसे नहीं है, उसने कहा कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की, जब इतना छोटा सा देश हमारे जैसे बड़े देश को धमकी दे तो ये वीर रस के कवियों का विषय नहीं हो सकता, ये तो कहीं ना कहीं हास्य व्यंग के कवि। एक बार जोरदार तालियां, ये जनता का उत्साह होता है। आइए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि अगर इतना छोटा सा देश हमारे जैसे बड़े देश को परमाणु हमले की धमकी दे तो मुझे लगा कि ये वीर रस के कवियों का विषय नहीं, ये तो हास्य के, ये तो दादा अशोक सुंदरानी जी का विषय हो सकता है। मैं हास्य के माध्यम से 4 पंक्तियों में निपटाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे विख्यात, कि सुनो मियां तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, इमरान साहब। ये सुनो मियां तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, सुनो सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है, मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है। गंगा लो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है, गंगा लो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है, गंगा लो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है। कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है, कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है, कश्मीर को भूल विख्यात, वाह वाह। हर हर महादेव, क्या बात है विख्यात, जिंदाबाद। भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है, जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो एक संदेश और है। मैंने आपको पहले बताया बहुत सारी ऐसी चीजें जो देख के अच्छा नहीं लगता, मगर एक सकारात्मक ऊर्जा और है इस देश के पास में, सुनिएगा। कि जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो, टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो, समझा दो शर्जील और उसके सब अब्बा जानों को, समझा दो दुनिया भर के सब जेहादी दीवानों को, समझा दो दुनिया भर के सब जेहादी दीवानों को। जाकर के आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, लश्कर वश्कर हुजी हुजी के सरदारों से कह दो, माना भारत में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, माना भारत में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, मत भूलो दिल्ली में अब की बात तुम्हारे बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं पुनः पढ़ता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा के आदेशित करें। हाँ, इनके बाप को एक बार फिर से बैठाओ, ताली बजाएंगे लोग। जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा। दादा 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 बाद में ले लेंगे, आपकी तालियां ही, आपकी तालियां ही हमारे लिए आशीर्वाद है, बस आप समर्थन बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। मैं
मैं आज चकिया, मैंने शायद पिछली बार ये बात नहीं बताई, 2017 में एक राष्ट्रवादी वंदे मातरम के समर्थन में कविता पढ़ने को लेकर के देवबंद में एक कवि सम्मेलन था, वहां मेरे ऊपर फतवा जारी हो गया था। उस समय पे लगभग 3 वर्ष तक की एक ऐसी सरकार भी थी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुझे बड़ी कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ा। मैं आपका बस समर्थन, ये जो है आपने समर्थन बनाए रखा, मैं बस आपका समर्थन मांगता हूँ, सुनिएगा, ये धन त्रिपाठी जी देंगे हमको, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा, कि जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो, समझा दो शर्जील और उसके सब अब्बा जानों को, समझा दो दुनिया भर के सब जेहादी दीवानों को, जाकर के आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, लश्कर वश्कर हुजी वुजी के सरदारों से कह दो, माना भारत में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, माना भारत में जहरीले साफ तुम्हारे बैठे हैं, मत भूलो दिल्ली में की बात तुम्हारे बैठे हैं, वाह वाह वाह, मत भूलो दिल्ली में अब की बात तुम्हारे। और साहब, वो अकेला एक पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान ही नहीं है, हमारा एक और पड़ोसी देश है जो समय समय पर हमको आंखें दिखाया करता है। हालांकि त्रिपाठी जी, उस देश के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो किसी को आंखें दिखा सकता है, क्योंकि उनके यहाँ एक वयस्क इंसान की आंखें भी इतनी ही खुल पाती है जितनी हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों की खुली रहती है। अगर मैं और ज्यादा डिटेल में जाकर के बताऊं तो नामकरण संस्कार के समय उस देश के अंदर एक सिक्का उछाला जाता है और सिक्के के जमीन पर गिरने से जो भी आवाज निकलती है वही बच्चे का नाम रख दिया जाता है। लेकिन अगर मैं और ज्यादा डिटेल में जाकर के बताऊं तो उस देश के अंदर कोई भी लंबी कदकाठी का आदमी नहीं पाया जाता, वहां पे कोई लंबी चौड़ी हाइट का व्यक्ति नहीं मिलता है। लेकिन अगर कभी उस देश के अंदर, यानी कि कभी चीन के अंदर आपको कोई लंबी कदकाठी का व्यक्ति मिल जाए, कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति मिल जाए, तो आप यह जरूर समझ लेना कि चकिया के बुजुर्गों ने चीन की तीर्थ यात्राएं की हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोग गलत समझ, बहुत अच्छे, गलत समझ गए। वो हमारे बुजुर्ग गए होंगे वहां हाइट बढ़ाने का फार्मूला देके आए होंगे, हालांकि है वही जो आप समझ रहे हो। त्रिपाठी जी एक दो बार गए हैं चीन। मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा, 4 पंक्तियां कोरोना, बहुत सही, बहुत सही सुंदरानी जी, एकदम त्रिपाठी जी गए हैं। कोरोना काल के दौरान उनकी शरारतें हमारी सीमाओं के ऊपर हो रही थी, मैं 4 पंक्तियों में इस बदलते हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर खींचता हूं आपके बीच। स्वागतम, स्वागतम। कि बौनी सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक, बौनी सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक, उनका अतिक्रमण पहुंचा था अरुणाचल के गांव तक, दुष्ट चीन सस्ती तकनीकी सैन्य शक्ति पर मत भूलो, तब के भारत अब के भारत में अंतर है मत भूलो, श्वेत कपोतों वाला भारत पृथ्वी अग्नि उड़ाता है, ब्रह्मोसों से रात फेलों से अंबर तक थर्राता है, अरे तुम ड्रैगन होगे, तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को, तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को, शक्ति भान जब हो जाएगा बल भूले हनुमानों को, मान सरोवर वाला मसला हल पुख्ता हो जाएगा, 62 वाला जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विख्यात, वाह 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 वाह। आइए मैं अंतिम एक रचना, 2 मिनट की एक अंतिम रचना पढ़ के, पढ़िए पढ़िए, क्या डर किस बात का है, पढ़िए, आप तो तबीयत से पढ़िए। मैं जानता हूँ कोई भी वीर रस का कवि आपके बीच में आता, मेरा मन तो कुछ और पढ़ने का था, लेकिन आपका उत्साह देख के मैं भी एक विशेष कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी वीर रस का कवि आपके बीच आता है तो आप उससे उम्मीद करते हो वो एयर स्ट्राइक पर भी कुछ ना कुछ बोल करके जाएगा, मैं एक छोटी सी कविता एयर स्ट्राइक पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सोते पांडव पुत्रों की हत्या जैसी थी वैसा था, पुलवामा का हमला होता है किस तरह का, मुझे लगा मैंने धर्म से उदाहरण निकाला है, कि सोते पांडव पुत्रों की हत्या जैसी थी वैसा था ये हमला, तो शिशुपाल की सौवीं गाली जैसा था ये हमला, तो शिशुपाल की सौवीं गाली जैसा था, रणभेरी बजवा दो, रणभेरी बजवा दो, बंदूकें सजवा दो वर्दी को, रणभेरी बजवा दो, बंदूकें सजवा दो वर्दी को, भारत सहन नहीं कर सकता ऐसी दहशतगर्दी को, भारत सहन नहीं कर सकता ऐसी दहशतगर्दी को, उग्रवाद के उड़न खटोले पर वो झूल गया था। और मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहां पे बैठी हुई है, मंच पे भी सामने भी, मैं एक नायिका का नाम आपके बीच में लेना चाहता हूं, कि उग्रवाद के उड़न खटोले पर वो झूल गया था,
अरे इंदिरा गांधी वाला थप्पड़ दुश्मन भूल गया था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंदिरा गांधी, इंदिरा बात है, इंदिरा गांधी वाला थप्पड़ दुश्मन भूल गया था। अब की तो उससे भी बड़ा दिलेर मिला था दिल्ली को। अब की तो उससे भी बड़ा दिलेर मिला था दिल्ली को। अब की तो उससे भी बड़ा दिलेर मिला था दिल्ली को। अरे 56 इंची सीने वाला शेर मिला था दिल्ली। जय हो। 56 इंची सीने वाला शेर मिला था दिल्ली को। सुनो शेर चूहों पर हरगिज हमला नहीं किया करते। सुनो शेर चूहों पर हरगिज हमला नहीं किया करते, मगर युद्ध के समय कदम हम पीछे नहीं लिया करते। 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। 18 के बदले, और एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, अगर आपको कहीं ना कहीं उस समय पे एक नारा चला था, वो नारा आपके जहन में आया तो आशीर्वाद दीजिएगा कि 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। 18 के बदले 38 का संकल्प हमारा है। बोला था घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा है। बोला था घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा है। युद्ध हुआ तो पाकी सेनाएं बेदम पड़ जाएंगी। एक पंक्ति में इशारे से कहता हूं, इशारे तक पहुंचना तो आशीर्वाद देना कि युद्ध हुआ तो पाकी सेनाएं बेदम पड़ जाएंगी। युद्ध हुआ तो पाकी सेनाएं बेदम पड़ जाएंगी। याद रहे जन्नत में अब की हूरे कम पड़ जाएंगी। हाय हाय क्या बात कही है। याद रहे जन्नत में अब की हूरे कम पड़ जाएंगी। बूंद बूंद पानी को अब लाहौर कराची तरसेंगे। बूंद बूंद पानी को अब लाहौर कराची तरसेंगे। राफेलों के मुंह से पिंडी पर हथगोले बरसेंगे। भारत का अभियान शुरू है सिंध बलूचिस्तान का। अब की नक्शा बदल जाएगा पापी पाकिस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक और मेरे ख्याल से तो एक और होनी चाहिए, आपकी तालियां उठें। हाँ, इधर भी एक दौर हो जाए और इधर भी एक दौर हो जाए। आप चुप रहिए, आज की रात मैं आपका आदमी हूं, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। हाँ, इधर भी एक दौर हो जाए, इधर भी एक दौर हो जाए। और विख्यात पूरी चकिया की जनता की फरमाइश है कि विख्यात मिश्रा की एक कविता और हो जाए। तालियां बजाइए। मैं कुछ आवश्यक पंक्तियां आपके बीच में, मैंने आपको बताया कि पिछली सरकार के समय मेरे ऊपर एक फतवा जारी हुआ देवबंद, जिसे फतवों का विश्वविद्यालय कहा जाता है, वहां से वो फतवा वंदे मातरम के समर्थन में कविता पढ़ने को लेकर के जारी किया गया था। आप लोग थोड़ा सा ध्यान अगर मेरी तरफ ही रखेंगे तो मैं जल्दी से पढ़ के हट जाऊंगा, सुनिएगा। स्वागत है। वहां के मौलाना साहब का एक संदेश मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप किसी भी सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर के माफी मांग लो, हम आपके कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। मैंने 6 पंक्तियां लिख के, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने वास्तव में उन्हें लिख करके भेजी, और वो 6 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत कि देवबंद के देश विरोधी फरमानों को बंद करो। भाई साहब अब बातचीत ना करिए। देवबंद के देश विरोधी फरमानों को बंद करो। देवबंद के देश विरोधी फरमानों को बंद करो। राम लला के नहीं जिहादी नारों को पाबंद करो। राम लला के नहीं जिहादी नारों को पाबंद करो। अरे हम भी 1.25 लाख पर भारी निकलेंगे। हम भी 1.25 लाख पर भारी निकलेंगे। घर घर से कमलेश तिवारी निकलेंगे। घर घर से कमलेश तिवारी निकलेंगे। भारत माँ के जय घोषों से काम तुम्हारे भर देंगे। भारत माँ के जय घोषों से काम तुम्हारे भर देंगे। तुम फतवा जारी कर दो, हम भगवा जारी कर देंगे। तुम फतवा जारी कर दो। और चलते चलते अंतिम में 6 पंक्तियां और पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी मैंने आवाजें सुनी, हैदराबाद से चलकर के आवाजें आई। लोगों ने यहां तक कहा कि हमारी गर्दन पे छुरी भी रख दी जाए तब भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं 4 पंक्तियों में एक उत्तर और उन्हें देना चाहता हूं। जो कलाम के बेटे हैं उनको हम गले लगाते हैं, लेकिन जो दूसरे कामों में लिप्त
तृप्त होना चाहते हैं उनके लिए एक चेतावनी भी देकर के जाना चाहता हूं। इस मंच से सुनिएगा कि श्री राम के नारे जिनको बिल्कुल रास नहीं आते, श्री राम के नारे जिनको बिल्कुल रास नहीं आते, हनुमान चालीसा के स्वर जिनको कभी नहीं भाते, हनुमान चालीसा के स्वर जिनको कभी नहीं भाते, हिंदी हिंदू हिंद सभी से जिसको भी आपत्ति है, हिंदी हिंदू हिंद सभी से जिसको भी आपत्ति है, वो मजहब है नहीं विश्व की खातिर एक विपत्ति है, वो मजहब है नहीं विश्व की खातिर एक विपत्ति है, फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हम कह देंगे, पांच वक्त का अल्लाह अकबर बोलो कैसे सहलेंगे, सुनो दास्ता मेट चुके हम मुगलों की अंग्रेजों की, अब तुम ना औलाद बनो तैमूरों की चंगेजों की, मोदी जी पीएम है पूरी फॉर्म में बाबा योगी है, मोदी जी पीएम है पूरी फॉर्म में बाबा योगी है, पुलिस हटा लो कहने वाले लोग मानसिक रोगी है, पुलिस हटा लो कहने वाले लोग मानसिक रोगी है, जब जी आए पुलिस हटा लो ताकत तुम्हें दिखा देंगे, जब जी आए पुलिस हटा लो ताकत तुम्हें दिखा देंगे, जब जी आए पुलिस हटा लो ताकत तुम्हें दिखा देंगे, वंदे मातरम श्री राम जय कहना तुम्हें सिखा देंगे, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात।